जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ये सबक पढ़ रहे हैं आज फोर्थ ईयर अरबिक ऑप्शनल का। तो ये सबक पढ़ रहे हैं कि ला शाय निवा दजल वतन, कोई शाय वतन के मुकाबले में नहीं हो सकती है, उसकी हम पल्ला या उसके बराबर नहीं हो सकती। तो अभी ये पैराग्राफ पढ़ रहे थे हम लोग, ये देखें। बल जब वो चिड़ियों ने उनसे क्या कहा कि उस जगह की जो तानी हैं वो मीठी हैं, फिज़ा हवा हर चीज़ बहुत खूबसूरत है, और फिर ये भी कहा कि वहाँ की फ़िज़ा जो है जहाँ खूब जमीर खूबसूरत है व नसीम अलील, और हवा जो है वहाँ की धीमी धीमी है, वह परिंदे मकरदन चहक चहचहाते हैं फरहम खुशी से, वे जमाल तबीयत माहौल की फितरत की खूबसूरती की वजह से परिंदे वहाँ पर चहचहाते हैं। पर इनशे तो माँ, अगर तुम दोनों चाहो हमल तो कुमा, तुम दोनों को उठा कर ले जाएँ इलाई हईस की तरफ, फी सूरत अजीमा तेज़ी के साथ, फसाहत अस्फुरा ज़किया, फसाहत बस चिल्लाई, ऊंची आवाज़ में बोलना, चिल्लाना, तेज़ी में बोलना, गुस्से में बोलना, फसाहत अस्फुरा ज़किया, यानी जो समझदार चिड़िया थी वो चिल्लाई, मीन हुमा इन दोनों में से समझदार जो चिड़िया थी वो चिल्लाई, अये तो हमारी, उसने क्या कहा, क्या कहा उसने, अये तो हमारी, अय हवा अंता लतारिफीना कदर वतन, अय हवा तू वतन की कदर नहीं जानती, ले अन्ना का मुशर्रदा फी कुल मकान, क्योंकि तू हर जगह फिरती रहती है, ला वतन लगा तेरा तो कोई वतन ही नहीं है, अम्मा नहनो फहबना अज़ीम लिहाजल मकान, अम्मा नहनो जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, फहबना अज़ीम बस हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लिहाजल मकान इस जगह से, वलो अनल बिलाद अल्लती अकबलत मिनहा जन्नतल खुद लम्मा फजलना हा अदल वतनना, वलो अनल बिलाद अगर वो मुल्क वतन अल्लती अकबलत जहाँ से तू आई है, मिनहा जहाँ से तू आई है, जन्नतुल खुल्द वो जन्नतुल खुल्द ही क्यों ना हो, चाहे जिन वतन से जिस ममालिक से तू आई है, चाहे वो जन्नतुल खुल्द ही क्यों ना हो, हम उसे फजीलत नहीं देंगे अला वतन ना अपने वतन पर, हम उसे अपने वतन पर फजीलत नहीं देंगे, फल वतन आज़ा अलैना, वतन जो है हमें बहुत प्यारा है, मिन कुल्ले शाइन हर चीज़ से ज़्यादा, वतन जो है हमें हर चीज़ से ज़्यादा प्यारा है, हब जन्नतुल खुल्द वतन की मोहम्मद, हब जन्नतुल खुल्द यमन, हब चली जा तू जन्नतुल खुल्द की तरफ, यमन यमन को यमन, जन्नत के खुल्द की तरफ तो चली जाए हवा, यमन को चली जाए, ला शाइन युअदल वतन, कोई भी शाय वतन के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, आपको समझ आ गया, इस सबक का तर्जमा जो है आपने अच्छी तरह करना है कि हर चीज़ को अपना वतन जो है वो प्यारा होता है, चाहे वो परिंदे हों, इंसान हों, जानवर हों, कोई भी हो, हर किसी को अपना घर, अपना वतन, अपना मुल्क प्यारा होता है, अपना जो जो भी जहाँ भी इंसान रहता है उस जगह से उसको प्यार होता है। तो इस सबक में भी यही बताया गया है कि चाहे कोई भी हो, चाहे एक परिंदा भी क्यों ना हो, उसे भी अपना अपना जगह, अपना मकाम, अपना जो जहाँ रहते हैं जगह, चाहे जैसी भी हो, उसको वो बहुत ही अजीज़ होती है। तो इसमें भी यही बयान किया गया है। तो उस हवा को उन्होंने, चिड़ियों ने क्या जवाब दिया कि चाहे वो जन्नतुल खुल्द भी क्यों ना हो, जिस तरफ तो हम बुलाने आई है, तब भी हम उसको अहमियत नहीं देंगे अपने वतन के अलावा। अस्सलामु अलैकुम।